PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये आप लोगों को अल्ट्रासाउंड में बहुत देखने को मिलता होगा, बहुत सुनने को मिलता होगा कि पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो जल्दी शुरू करते हैं कि ये PID है क्या, किस कारण से होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन से लेके हम लोग पूरा ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट इसमें जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर MD फैज़ान, मैं MD इन होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, और स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो ये PID है, अधिकतर अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है, या कभी कभी प्रेगनेंसी में जो 5 मंथ से जो 7 मंथ का ट्राइमेस्टर होता है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें बहुत देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में भी। तो अगर प्रेगनेंसी में नहीं, PID अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर प्रेगनेंसी में हो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिलता है, यही हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी प्रेगनेंसी में पेल्विक इन्फेक्शन, अगर प्रेगनेंसी में ये हो रहा है तो ज़्यादातर पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें होता ये है, जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी, इसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। बहुत से सुने होंगे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन अब जो हम बताएंगे वो बहुत अलग होगा। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के तो कारण होता ही है, लेकिन ये 15% होता है, लेकिन 85% दूसरे चीज़ के कारण से होता है, जो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये होता है, ज़्यादा ये कहाँ इन्फेक्ट करता है, तो लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट एरिया को ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, जैसे वल्वा हो गया, विजाइना हो गया, ये ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि अपर जेनाइटल ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूटरस या ओवरी, ये तीनों जगह पे ये इन्फ्लेमेशन करा देता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका कॉसेस, यानी कारण क्या है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको पता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के वजह से होता है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी ये होता है, जैसे क्लामेडिया, गोनोरिया, इसके कारण से भी ये हो सकता है। वेजाइनल इन्फेक्शन या यूट्रस इन्फेक्शन, बॉवल इन्फेक्शन जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के भी वजह से होता है, और एबॉर्शन के कारण, जो महिला ज़्यादा एबॉर्शन कराती है उसमें भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है। 80% हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के वजह से ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, 85%। यानी सबसे ज़्यादा केस कहाँ मिलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में मिलता है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलता है। तो ये हम लोग का कॉसेस हो गया, कारण। इतना सारा कारण है क्या चीज़ का, PID का, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर यही प्रेगनेंसी में है तो क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल में हो गया या पेल्विक एरिया में, कहीं भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, यानी इसका लक्षण है क्या। तो लक्षण में हम लोग बात करेंगे तो लोअर एब्डोमेन और पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन या पेल्विक पेन होगा, बहुत सीवियर पेन हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे येलो ग्रीन या फिसली वाटर बोले तो मछली का जो धोया हुआ पानी होता है वैसा निकलेगा, और स्मेल भी ठीक वैसा ही करता है लगभग, तो वही होगा, स्मेल बहुत ज़्यादा करता है, और मछली का जो धो के पानी निकलता है वैसा डिस्चार्ज हो सकता है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, और इसमें क्या होता है, कभी कभी ऊपरे हिस्से में भी बहुत ज़्यादा दर्द कभी कभी देखने को मिलता है। और अगर प्रेगनेंसी में PID है तो इसमें मिस कैरेज का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है, अगर मिस कैरेज से बच जाए तो क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म बेबी, यानी समय से पहले बच्चा होना, जिसको हम लोग प्री टर्म बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आप मिस कैरेज से बच गए तो नंबर ऑफ ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको प्री टर्म बेबी हो, यानी समय से पहले बच्चा हो। तो ये क्राइटेरिया है सिम्टम्स में, सिम्टम्स इतना देखने को हमें मिलता है क्या चीज़ में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में।
तो अगर इतना है तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पीआईडी हो गया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का ज़रूरत है। इसको हमेशा डॉक्टर के सलाह में रहना पड़ता है और हमेशा देख रेख में और हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है इसको लेके, क्योंकि मिसकैरेज का और प्री टर्म बेबी का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो इसका हम लोग सिम्टम्स जान गए, अब इसका इन्वेस्टिगेशन जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराया जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन कि पीआईडी का इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जाता है। तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर हम लोग यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और इसमें अल्ट्रासाउंड भी करके देखा जाता है कि पीआईडी कितना स्टेज में है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर सेंसिटिव भी करके देखा जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट करा के उसमें इन्फेक्शन चेक किया जाता है कि ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है। स्वैब टेस्ट किया जाता है, जैसे वेजाइना का स्वैब टेस्ट या सर्वाइकल कल्चर, यह सब टेस्ट किया जाता है मुख्य। इसमें नेट टेस्ट फॉर गोनोरोहिया का भी टेस्ट किया जाता है, और कभी कभी सीवियर केस में, बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो उसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके भी चेक किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस में किया जाता है, जब पीआईडी बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट पे आराम नहीं हो रहा है, तब ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके चेक किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट हम लोग दो फेस में लिए हैं, एक एक्यूट का अलग ट्रीटमेंट होता है और क्रोनिक का अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर एक्यूट पीआईडी है तो एक्यूट में क्या होता है, ये सडनली इन्फेक्शन होता है, एक्यूट में सडनली इन्फेक्शन होगा, लेकिन ये सीवियर हो सकता है, सडन होगा, सीवियर भी हो सकता है। और क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में सीवियर इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म से हो और कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता हो। मान लीजिए सीवियर केस में जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी लंबा समय से हो, लॉन्ग टाइम से हो और कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता हो, इसको हम लोग सीवियर केस ऑफ पीआईडी कहते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसका क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट अलग अलग करते हैं। तो कभी कभी एक चीज़ बहुत कॉमन महिलाओं में है कि वो डॉज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो डॉज जो बेटाडीन डॉज हो गया या और भी सारा बहुत सारा डॉज हो गया, वो साफ़ करती हैं, वेजाइना अपना प्राइवेट पार्ट साफ़ करती हैं क्लीन रखने के लिए और पीएच मेंटेन रखने के लिए। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया है वो भी डेड हो जाता है, बिकॉज डॉज से प्रॉब्लम क्या है कि जो गुड बैक्टीरिया है वो भी रिमूव हो जाता है। गुड बैक्टीरिया के रिमूव होने की वजह से बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन फैला देता है। तो बहुत ज़्यादा डॉज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे बैक्टीरिया रिमूव हो सकता है और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाएगा, तो ये पहले अवॉइड किया जाता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट मॉडिफिकेशन, ये सारा करके कुछ हम लोग ट्रीटमेंट एडवांटेज में लेके जाते हैं। यही अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर प्रेगनेंसी में है तो वहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन लो डोज में दिया जाता है, जैसे 1 ग्राम दिन में एक बार। इसके साथ साथ एक बेटनिसोल इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चे पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट मेट्रोजिल ER 600, मेट्रोनिडाजोल 600 mg का सुबह शाम दिया जाता है 5 दिनों के लिए। इसके बाद सस्टेन कैप्सूल आता है 200 mg का, ये भी सुबह शाम दिया जाता है और महीना दिन के लिए भी दिया जा सकता है। और पेन 40 पेंटोप्राजोल टैबलेट या डोमपेरिडोन के साथ भी दे सकते हैं, ये आपको एम्प्टी स्टोमच लेने का सलाह दिया जाता है। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पे पेन किलर में स्पास्मो फर्स्ट टैबलेट ले सकते हैं, मेफेनामिक एसिड। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग के लिए मेफेनामिक एसिड और ट्रेनेक्समिक एसिड का कंपोजिशन का दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, इसका मुख्य ट्रीटमेंट है। अब हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे कि जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है,
विदाउट प्रेगनेंसी PID अगर अल्ट्रासाउंड में निकल गया तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम अपने पेशेंट को देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 1 महीना, मेट्रोनिडाजोल 600 mg सुबह शाम 1 महीना। उसके बाद विजाइनल कैप्सूल देते हैं जैसे क्लिंजन फोर्ट को इंट्रा विजाइनल 1 इंच अंदर लेने के लिए सलाह दिया जाता है, ये भी 3 सप्ताह के लिए देते हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और एब्डोमेन पेन हो रहा है तो वहाँ पे क्या करें, मेफेनामिक एसिड और ट्रेनेक्समिक एसिड का टैबलेट ले सकते हैं, जैसे ट्रेनेक्सा MF या ट्रैपिक MF ले सकते हैं। ये दवा दिन में 3 बार 5 दिनों के लिए ले सकते हैं। अगर एब्डोमेन पेन है तो इसमें भी मेफेनामिक एसिड काम कर जाता है। और कभी कभी हम अपने पेशेंट को रेजिस्ट्रॉन 5 mg का सुबह शाम देते हैं 21 दिनों के लिए। ये क्या होता है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हुआ हो तो ये मैनेज कर लेता है, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, तो उसके लिए यस एस्कॉर्बिक एंड फोलिक एसिड का टैबलेट दे सकते हैं दिन में 1 बार, ये भी 1 महीने के लिए दे सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो क्या करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम देते हैं, और मेट्रोनिडाजोल के रोग के उसके जगह पे हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन, सेलबैक्टम, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जैसे मोनोसेफ SB, दिन में 2 बार 5 दिनों से 7 दिनों के लिए दिए जाते हैं, 5 दिन से 7 दिनों के लिए ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया होगा तो वहाँ पे ये अच्छा वर्क करता है और जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। तो कभी कभी वीवास भी दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम, बहुत रेयर दिया जाता है। अगर आपका pH वेजाइना का pH लेवल सही है तो वीवास का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वीवास एडवाइस किया जाता है ताकि अनहाइजीनिक कंडीशन से बचें, और हमेशा नियमित साफ़ सुथरे रहें और नियमित तरीके से साफ़ रहें, हमेशा प्राइवेट एरिया को क्लीन करके रखें, और गंदे क्लॉथ्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इतना सलाह दिया जाता है। बाकी डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंज से ये बिल्कुल PID जड़ से ठीक हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर ले, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। लव यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।